नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अंडा कभी भी उबालना है, देखिए अंडा क्यों फूट जाता है उबालते समय, आज हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, एक अंडा ये है और इसमें भी अंडा उबल रहा है, देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा बाफ है इसलिए नहीं। देखिए, तो उबालते समय इसको क्या करना है, तो कैसे नहीं फूटेगा, अगर मानते हैं कि पैसा हम लोग खर्च कर देते हैं और अंडा ऐसे फूट जाता है, देख लीजिए ध्यान से, फूट गया है ना, तो क्यों फूट जाता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बेगर भगाए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक मिनट की वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अंडे को उबालने से पहले, जैसे ये उबल रहा है देखिए आंच पे, तो इसमें पानी में जो है थोड़ा सा नमक, यानी 5 अंडा है तो 1 चम्मच नमक इसमें पहले पानी में डाल दीजिए। अब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा सा सिर्फ, तब अंडा इसको धीरे धीरे डाल दीजिए। अगर ऐसे करते हैं तो देखिए इसमें एक भी अंडा नहीं फूटा टूटा है, तो ऐसे करेंगे तो आपकी अंडा भी नहीं फूटेगा। और आलू देखिए इसमें काट करके रख दिए हैं, इसको आलू डालेंगे इसमें एक बारीक बारीक, 4 आदमी का खाना बन रहा है। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 माने टुकड़ा आलू है, 4 आलू को काट दिए हैं। और ये देखिए अंडा उबल रहा है, और इस अंडे को हम क्या करेंगे कि पहले इसका छिलका उतार लेंगे, और छिलका उतार करके तेल में पहले फ्राई करेंगे, और तेल में फ्राई करने के बाद में हम निकाल देंगे एक बर्तन में, उसके बाद में हम मसाला डालेंगे, मसाला भून लेंगे। और मसाला भूनने के बाद में वो जो आलू है उसको थोड़ा सा भूजेंगे, इसके बाद में इस अंडे को भूजे हुए तेल में जो रहेगा उसको इसमें डाल देंगे सब्जी में, और इसको भात से खाएंगे। जब हम भात से खाएंगे तो पेट में जो है तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। रोटी से जो लोग खाते हैं अंडा, उन्हीं लोगों को पेट जो है वो खराब हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी हरदम हर वक्त आप लोगों को खुशियाँ घर में देती रहे और मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें वहाँ बने रहें, मस्त रहें।